मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और साथ ही 24x7 विड्रॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका IPL से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब टीम से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, इसके अलावा पंजाब टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी और इसके अलावा शिखर धवन के बारे में कुछ अपडेट्स आप सभी लोग को दूंगा। उन्होंने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि पिछली वीडियो मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसमें दिल्ली के खिलाफ मैंने बना दिया था जबकि पंजाब टीम का अगला मैच था हैदराबाद के खिलाफ, तो बाय मिस्टेक हो गया था, थोड़ा बिजी था इसके वजह से यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी काल। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं, पंजाब टीम ने IPL 2022 में अभी तक कुल 5 मैचेस खेले, जिसमें 3 मैचों में जीत प्राप्त हुई है और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम का 5वां मैच था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और जैसा कि आप सभी लोग जानते रहेंगे पंजाब की टीम इस मैच में एक आसान जीत दर्ज की। हालांकि आसान नहीं कहेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं पंजाब टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अच्छी रही इस मैच में। इसके अलावा ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट दी, शिखर धवन फॉर्म में आ गए, मयंक अग्रवाल फ्लॉप चल रहे थे वो भी फॉर्म में आ गए, तो पंजाब टीम के सारे खिलाड़ी फॉर्म में दिख रहे हैं और पंजाब की टीम काफ़ी बैलेंस टीम दिख रही है और ओवरऑल खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। ओवर स्मिथ से थोड़ी मिस्टेक हो रही थी पर उन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा आप सभी लोगों को बता दूं, पंजाब टीम का 6वां मैच है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, तो वहां पर हमें पंजाब की टीम फिर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख सकती है, क्योंकि हैदराबाद टीम की बात करें तो वो अपने आखिरी के दोनों मैच जीत कर आ रही है। हालाँकि उनकी गेंदबाजी अच्छी रही, उससे ज़्यादा वो उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही, क्योंकि दोनों मैच वो चेस कर आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब टीम को इस मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा अगर टॉस हारती है, क्योंकि टॉस हारने के बाद पंजाब टीम को पहले बल्लेबाजी ही करने को मिलेगा, क्योंकि लगभग IPL 2022 की बात करें जितनी भी टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही हैं, तो पंजाब की टीम इस मैच में भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। इसके अलावा आप सभी लोग को बता दूं, हैदराबाद अपने जो आखिरी की 2 मैचेस जीत कर आ रही हैं वो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम को हराई हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैच हमें टफ देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं हैदराबाद पंजाब टीम को एक कड़ी चुनौती देगी इस मैच में। तो आप सभी लोगों को बता दूं, ये मैच काफ़ी टक्कर का मैच होगा और दोनों ही टीमों की बात करें तो टीम काफ़ी बैलेंस दिख रही है, पर कहीं ना कहीं पंजाब टीम के पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दिख रहा है। अगर पंजाब की टीम ये मैच हारती है तो पंजाब टीम के पास टोटल 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार हो जाएगी, तो कतई पंजाब की टीम ये गलती नहीं करेगी और इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि आगे जाकर मुकाबला टफ हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारी टीमों की बात करें तो सभी टीमें अपनी प्लेइंग 11 अच्छे से बना ली हैं और उसमें शायद ही कुछ चेंजेस करें, और पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम की प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम होने वाली है जो खेली थी पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम के लगभग सारे खिलाड़ी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो पंजाब की टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ हैदराबाद के सामने उतरेगी। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल या इंजर्ड हो जाता है तो उस कारण से प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव दिख सकते हैं हमें, पर प्लेइंग 11 ओवरऑल सेम रहेगी जो पिछले मैच में खेली थी, और कहीं ना कहीं पंजाब की टीम एक बड़ी टीम यानी कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम को हरा कर आ रही है, तो उसी प्लेइंग 11 को कमबैक करेगी और प्लेइंग 11 में लगभग सारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप सभी लोग को बता दूं, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को अपनी पिछली वीडियो में बताया था शिखर धवन के बारे में, पर वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा उसमें दिल्ली के बारे में बता दिया था, क्योंकि अगला मैच पंजाब टीम हैदराबाद के खिलाफ था। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को बता दूं, शिखर धवन ने IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जैसा कि उन्होंने कुल 27 पारियां खेली हैं मुंबई इंडियंस के विरुद्ध और उसमें उन्होंने टोटल 871 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 128 का स्ट्राइक रेट और इनका औसत यानी कि एवरेज 40 का है। इसके अलावा आप सभी लोग को बता दूं, शिखर धवन IPL में सबसे ज़्यादा चौके मारने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने IPL में कुल 671 चौके मारे हैं और उन्होंने 130 छक्के भी मारे हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं, 6000 रन बनाने वाले IPL में पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं शिखर धवन, जैसा कि शिखर धवन 6000 रन से सिर्फ 19 रन पीछे हैं और विराट कोहली 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, उनके नाम टोटल अभी तक 6390 रन है IPL के इतिहास में। ऐसे में दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं 6000 रन पूरा करने वाले IPL के इतिहास में। इसके अलावा सभी लोग को बता दूं, पूरे IPL के इतिहास में शिखर धवन सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं जो हर साल 450 के ऊपर रन बनाते हैं, और IPL 2022 में अभी तक की बात करें तो पंजाब टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले रन बनाने वाले शिखर धवन ही हैं।
और इसके अलावा सभी लोग को बता दूँ हैदराबाद के खिलाफ जो पंजाब टीम का छठवां मैच है वहाँ पर इनका बल्ला चल सकता है क्योंकि ये उनके गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसा कि शिखर धवन हैदराबाद टीम से भी खेल चुके हैं तो ये टी नटराजन भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और काफ़ी अच्छे से रीड भी कर लेंगे मैच में, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद के खिलाफ एक बड़ी पारी खेल सकते हैं शिखर धवन। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आप सभी लोगों को देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।